बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ प्रेस में तीन मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कुछ शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए और चाइना में लोग उन्हें थ्री लाफिंग बुद्धा के नाम से जानने लगे और अब लोग भी उनका सम्मान करते लगे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे, ये बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते लेकिन उसके उत्तर में वे बस हंसते, तो उनका नाम बन गया तीन हंसते हुए भिक्षुक। वह पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते और समय के साथ वे तीनों भी बूढ़े हो गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तभी उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। भिक्षुक की मौत की खबर से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी के दो जरूर रोएंगे और ये देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे, लैसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। अब उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वह दो भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा ही नहीं की है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छिपा रखा था जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कपड़े में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा मोंक मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरों पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। लाफिंग बुद्धा के बारे में मान्यता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से निगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। जिस तरह भारत में भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को ही सब कुछ माना जाता है। चीन वास्तुशास्त्र यानी फेंग शुई में घर में संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा रखे जाते हैं। माना जाता है कि इनको घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।